हेलो फ्रेंड्स मैं रचना अमरनाथ है आपका स्वागत करती हूं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बुक द सेकेंड दे बोवा ने तो ये जो टाइटल है सिमोन दे बोवा ये एक फ्रेंच टाइटल है ये फ्रेंच नेम है तो इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे इसके स्पेलिंग पे मत जाइए सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन द सेकेंड सेक्स इज अ बुक रिटन बाय सिमोन दे बोवा she was a french existentialist philosopher now what this term mean existentialist existentialist ka matlab kya hota hai the one who support philosophical theory of existentialism अब existentialism क्या होता है तो इसका हिंदी word है अस्तित्ववाद और existentialist मतलब अस्तित्ववादी सो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफिकल इंक्वायरी अबाउट इशूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस रिलेटेड जो इशूज को जो पढ़ते है उसको क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म सो सुम दिबुवा वॉज French existentialist philosopher, writer, social theorist, and feminist activist. And she had a significant influence on feminist existentialism and feminist theory. One of Bova's best known and controversial books, The Second Sex, is regarded as a groundbreaking work of feminist philosophy and as the starting inspiration point of second wave feminism. Feminism ko influence. So second wave feminism kya tha? second wave of feminism is फेमिनिस्ट एक्टिविटी था जो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में लेकिन उससे पहले एक फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आकर जा चुका था जिसमें जो वुमेन ने जो अपने प्रॉब्लम्स को रेस किया था वो डिफरेंट था सेकेंड वेव में तो फर्स्ट वेव में क्या प्रॉब्लम्स थे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात होती थी मतलब वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स में फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट ने वीमेन से रिलेटेड और भी ज्यादा इश्यूज को हाईलाइट किया जैसे कि सेक्शुअलिटी डोमेस्टिक वायलेंस रिप्रोडक्टिव राइट्स, ऑफिशियल लीगल इनइालिटी ये सारे मुद्दे पर वो बहस करने लगे तो ये जो बुक था द सेकेंड ऑफ फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था तो इस बुक में ऑथर ने डिस्कस किया है कि वेमेन को कैसे सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है उनका क्या पोजीशन, है उनका क्या स्टेटस है तो वो प्रेजेंट सोसाइटी की बात करती है साथ ही साथ हिस्ट्री से मतलब पास से उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है अभी तक वो सारी बातें उन्होंने इस बुक में किया है तो ऑथर ने इस बुक को 14 मंथ में लिखा है काफी रिसर्च करने के बाद लिखा है इस बुक का दो वॉल्यूम है फर्स्ट वॉल्यूम में फैक्ट्स और मिथ के बारे में इंट्रोडक्शन एंड इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी इट मींस द आइडिया दैट सपोर्ट द सेकंड सेक्स इज ऑल सेट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक एंड दीज आइडियाज आर कंसर्न विद द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द फर्स्ट वॉल्यूम शी हेज आस्ट द क्वेश्चन एंड दट क्वेश्चन इज हाउ फीमेल ह्यूमेन कम टू ऑक्यूपाई अबॉर्डिनेट पोजिशन इन सोसाइटी तो जो इसका टाइटल है द सेकेंड सेक्स इसका सेक्सुअलिटी से कोई रेलिवेंस नहीं है इनफैक्ट ये विमेन के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो विमेन का पोजीशन क्या है सोसाइटी में सेकेंड और जो ये सेक्स है वो क्या है फीमेल सो so, She is talking about the women's subordinate position in the society, second position in the society. So, here the main focus of the author is why the women are considered as inferior to men, why she has a second position, subordinate position in the society. वीमन के सेकंड पोजीशन क्यों है और क्यों मेन के कंपैरिजन में उनको इन्फीरियर माना जाता है तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए इनफैक्ट अपनी आइडेंटिटी को और अच्छे से समझने के लिए इन्होंने तीन एरिया में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की पहला तो है बायोलॉजी मतलब कि साइंस में इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की फिर साइको एनालिसिस में और हिस्ट्री में साइको एनालिसिस मीनस जहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को समझा जाता है वहां उस फील्ड को बोलते हैं साइको एनालिसिस इन तीनों ही एरिया में ये आंसर तो है कि मैन एंड वुमेन बोथ आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फिजिक विमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि यूट्रस ओवरीज और मेन की बॉडी डिफरेंट होती है तो ये तो बात सच है कि ये दोनों का जो फिजिक है वो अलग है लेकिन इसमें ये कहाँ प्रूफ होता है कि वीमेन जो है मेन के कंपैरिजन में इंफीरियर है और मेन को हर जगह प्रिविलेज मिलना चाहिए प्रायोरिटी मिलना चाहिए और वुमेन को सेकेंड पोजिशन मिलना चाहिए तो उनको अपने क्वेश्चन का आंसर इन तीनों ही फील्ड में नहीं मिला उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुई देन शी फर्दर आर्ग्यूड दैट

तो जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज होता है जो इन एसेंशियल होता है तो उसको हम अदर की कैटेगरी में डालते हैं जिसे डिफाइन करना जरूरी नहीं है आपने कई जगह ऑब्जर्व किया होगा जब हम कोई फॉर्म भरते कोई एप्लीकेशन फिल करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलते हैं तो जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी होता है उसका तो प्रॉपर टाइटल रहता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है जो फेमस नहीं है उसको अदर के कैटेगरी में डाल देते हैं तो यहाँ पे ऑथर भी उसी कैटेगरी की बात कर रही है कि वेमेन अदर है सो वेन इट कम्स टू डिफाइन वेमेन इन अपोजिशन टू मैन इज़ रोल ऑफ दिल्फ मैन क्या है सेल्फ है उसकी खुद की आइडेंटिटी है इंडिविजुअलिटी है लेकिन क्या है ऑब्जेक्ट है कम्प्लीट एंड ही इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंट मतलब ग्रेट वेरी इंपॉर्टेंट और जब वेमेन की बात करते हैं तो वुमेन के बारे में लोग क्या सोचते हैं मैन क्या सोचते हैं दैट शी इज Inessential, incomplete इनकम्प्लीट एंड म्यूटिलेटेड म्यूटिलेटेड मतलब विमेन में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम वैल्यू दे सके ही एक्सटेंड्स आउट इन टू द वर्ल्ड टू इम्पोज इन्वेंशन और जो वुमेन है वो किसके लिए है डूम्ड के लिए मतलब नाश करने के लिए मैन क्रिएशन के लिए बने हैं एक्ट करने के लिए बने हैं इन्वेंट करने के लिए और वुमेन क्या करती है बस उनका वेट करती है कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है तो मैन आकर उनको बचाए वो खुद अपना सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते फिर आगे ऑथर ये बोलती है कि जो वेमेन का सबॉर्डिनेट पोजीशन है जो उसका सेकंड पोजीशन है या फिर वो मेन के कंपैरिजन में जो इंफीरियर है कहीं ना कहीं विमेन उसके लिए खुद जिम्मेदार है क्योंकि जो उनको हमेशा से कंफर्ट मिलते आ रहा है मेन के थ्रू तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती उसे छोड़ नहीं पा रही है शी इज रिलेक्टेंस टू द ट्रेडिशनल एडवांटेजेस कंफर्ट ऑन देम बाय देयर प्रोटेक्टिव मेल सुपीरियर्स तो कहीं कही ना कहीं वुमेन भी सोचती है अगर बिना कुछ किए उनको घर मिलता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है तो क्यों जबरदस्ती का हार्ड वर्क करे और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करे नई पहचानते तो मत पहचानो हम तो आराम से हैं तो इसलिए विमेन ने भी कभी अपोज नहीं किया मेल उनके बारे में जो भी सोचते हैं सोचे उनके एग्जिस्टेंस के बारे में वो डिसाइड करे उनके लाइफ में जो पर्पज है वो भी वो डिसाइड करे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी अब हैप्पी लिटरेचर की तरफ से एक बुक लॉन्च हुई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी पर मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे टॉपिक इस बुक में कवर है साथ ही साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं आपको हर चैप्टर में एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल के उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे जहां पे उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप ये बुक नोशन प्रेस फ्लिपकार्ट एमेजन से खरीद सकते हैं नोशन प्रेस से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया या फिर आप एमेजॉन पे सिंपली सर्च करिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी बाय रचना अमर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही एक और वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगी जिसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इसे लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय